हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पर। आज हम देखेंगे क्या डाउनलोड्स हैं यूनिवर्स के मैसेजेस, क्या कुछ आने वाला है आपके हिस्से में। जो मैसेजेस से आप कुछ सीख ले सके जरूर लें, और जिसमें से आपको खुशी या सेलिब्रेशन करना हो जरूर करें। हर तरह के मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं, क्विक रीडिंग है आज की। व्हाट आर द यूनिवर्स मैसेजेस फॉर यू? You will shine in your career, job, business or studies. आप अपने job में, career में, business में, studies में बहुत ही shine करेंगे, बहुत चमकेंगे। आपका बहुत नाम होने वाला है इस साल। ये साल उन लोगों के लिए खास तौर पे बहुत शुभ होने वाला है जिन्होंने अब तक बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में। बहुत चैलेंजेस आपने सही है अपने लाइफ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज। माई गुडनेस, मनी विल सून कम योर वे। आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा, अबंडेंस ही अबंडेंस आने वाली है बहुत जल्द। आपका नाम ARI से शुरू हो सकता है। एज 55 हो सकती है। सितंबर इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आपकी लाइफ में। आपको बहुत जल्द उन लोगों की सच्चाई पता चल जाएगी जो लोग आपकी लाइफ में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, आसानियां नहीं पैदा होने देते। ऐसे लोगों की हकीकत आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी। मुझे लगता है ये रीडिंग हमने अभी कुछ टाइम पहले की है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कुछ लोगों के असली चेहरे क्या है। तो आपको इनकी जो सच्चाई है बहुत जल्द पता चलने वाली है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस वक्त आप किसी तरह की कंफ्यूजन में है कि पता नहीं ये लोग कौन है, तो बहुत जल्द आपको ये पता चलने वाला है। इनसिक्योर अबाउट यू, वन साइडेड लव। मैसेज आपके लिए आया है, कोई आपको लेकर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है आजकल। उनको लगता है आप उनकी लाइफ में से चले जाएंगे अगर ये आपका किसी का आप पर क्रश है, आपको ऑलरेडी पता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है। हो सकता है अभी वो आपके सामने अच्छे दोस्त होने का, रिश्तेदार होने का, कोई करीबी होने का नाटक करते हैं, लेकिन आपको ये भी पता चलने दे रहे कि उनके दिल में एक्चुअली आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। तो उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन या अट्रैक्शन या उनकी तरफ से प्यार। इस पर्सन का नाम DHU हो सकता है, इससे शुरू हो सकता है, या उनके फर्स्ट नेम में ये लेटर आते होंगे। 39 एज हो सकती है, 42 एज हो सकती है इस पर्सन की, या तो फिर आपकी। दोनों ही हाल में ये रीडिंग आपके लिए रहेगी। इनमें से जो मैसेजेस आपको रिजोनेट होते हैं उन्हें रखिए, जो नहीं होते उन्हें जाने दीजिए। फॉरगिव माय मिस्टेक, आई नो आई डिड इट रॉन्ग। कोई आपसे माफी मांग रहा है या मांग रही है, उन्हें लगता है उन्होंने कोई गलती की है जिसके लिए उन्हें सजा मिल चुकी है या मिलना जरूरी है। उन्हें रियलाइज हो चुका है उन्होंने आपके साथ जो किया था वो गलत किया था। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कौन है ये पर्सन जिससे बहुत दिनों से आपकी कुछ अनबन भी चल रही होगी, वो आआपसे माफी मांग रहे हैं। 7-12 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, अल्फाबेट के लेटर भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकता है, और PNQ या क से उनका नाम शुरू होता होगा, या उनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, या आपकी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनाई उनकी जोडियक है या फिर आपकी हो सकती है। इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ऐसा कोई पर्सन है जो आपसे दिल से माफी मांग रहे हैं। Someone wants to share their secrets with you. कोई है जो आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें, शायद वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, शायद उनको कोई परेशानी है, कोई उन्हें परेशान कर रहा है उनकी सीक्रेट्स जानकर, इसलिए वो आपसे कुछ सीक्रेट्स शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी वो समझते हैं। उनकी नजर में आपसे बेहतर कोई नहीं है जिससे ये बातें शेयर की जा सके। जेमिनी, स्कॉर्पियो इनकी जोडियक साइन हो सकती है, या आपकी 36 आपकी एज या उनकी एज। मंडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में। एफ लेटर से या तो उनका नाम या आपका नाम, या आपके नाम के पहले जो पहला जो लेटर है, मतलब पहला आपका जो नाम है उसमें ये लेटर होगा। ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए।
डिवाइन स्पिरिट्स आर प्रोटेक्टिंग यू ऑल द टाइम। जो एंजल्स है, एंसेस्टर्स है, वो हर वक्त आपका ध्यान रखते हैं। अगर आपको लाइफ में कोई ऊंच नीच है, कोई परेशानी है, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आपके स्पिरिट एंजल्स कह रहे हैं हम हर वक्त आपका ख्याल रखते हैं। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें आप अकेले नहीं है, आपके साथ ये भी खड़े रहेंगे आपकी रक्षा करने के लिए। आइए देखें, दे लाइक टू टॉक ओनली अबाउट यू। आज तो बहुत बढ़िया मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। कोई है, शायद वही है जो आपसे सीक्रेटली प्यार करते हैं, कि वो हर वक्त आपकी ही बातें करना पसंद करते हैं। किसी से कोई भी बात करते हैं ना, अगर खाने की बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो टॉपिक आप पर आ जाता है, मौसम की बात कर रहे हैं तो टॉपिक आप पर आ जाता है, स्टडीज की बात कर रहे हैं तो टॉपिक आप पर आ जाता है। इतना ज्यादा ये आपके बारे में बात करना पसंद करते हैं ये पर्सन। 1A29, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, इंपॉर्टेंट अल्फाबेट के लेटर्स हो सकते हैं, ये मंथ हो सकता है इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में 29, तो खैर एज हो सकती है आपकी या उस पर्सन की। इन्हें बस हर वक्त दीवानों की तरह आपके बारे में ही बातें करना पसंद है। ओके, मदर सिस्टर या मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, ये है शायद जो आपके लाइफ में या तो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं या फिर बहुत ही गलत कर रहे हैं, आपकी मम्मी, आपकी बहन या आपकी सास या आपकी भाभी या सिस्टर इन लॉ, साले हो सकते हैं कोई भी। तो ये आपकी लाइफ में या तो बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, इसीलिए ये मैसेज आया है। अच्छा कर रहे हैं तो थैंकफुल रहिए, अगर ये कुछ गलत भी कर रहे हैं तो आप अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। 38, 46, 64 या तो उन लोगों की एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है। मंडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है या आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में। देखते हैं और क्या डाउनलोड्स हैं आपके लिए। चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। आपके जो एंजल्स है आपको कह रहे हैं कि आप आखिरी मंजिल की चिंता अभी छोड़ दो, एंड में क्या होगा उसको सोचना छोड़ दो, आपका अगला कदम सेंसिबली आपको रखना है ताकि जिस मंजिल की ओर आप बढ़ रहे हैं वो मंजिल आपको हर हाल में मिल जाए। अगर आप एंड रिजल्ट की टेंशन ज्यादा करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप इजिली नहीं ले पाएंगे। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से, कि उतना ही सोचे कि आपका अगला कदम सही होना चाहिए, लास्ट कदम अपने आप ही सही पड़ेगा और आपको आपकी मंजिल इस साल मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। 11-3 इंपॉर्टेंट डे डेट्स अल्फाबेट हो सकते हैं, फ्राइडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है आपकी लाइफ का। जिसने आपको परेशान किया अब उसकी बारी है, वेरी हैप्पी मैसेज फॉर यू। जिन लोगों ने आपको किसी भी तरह से तंग किया, तकलीफ पहुंचाई, दुख पहुंचाया, अब उनकी बारी आ गई है या आने वाली है। ये आपके एंजल्स का मैसेजेस है आपके लिए, आपको हार्डस बता रहे हैं, आपको हिम्मत बंधा रहे हैं। 9-13-21-29 संडे, आपकी लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट डे हो सकता है या उन लोगों की लाइफ का जो आपको परेशान कर रहे हैं, ताकि आप उन्हें पहचान सके। जिसने आपको परेशान किया अब उनकी बारी है, वो नहीं बच पाएंगे। गॉड इज हियरिंग यू, टॉक टू हिम। गॉड आपसे कह रहे हैं मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, मुझसे बात करो। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है, आपके दिल में शायद बहुत शिकायतें होंगी कि खुदा आपकी सुनता नहीं है, रब आपकी सुनता नहीं है, भगवान आपकी सुनते नहीं है, लेकिन वो तो आपसे खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। बात करो तो सही, क्लियरली अपनी बात करो, हर बार गोल गोल घुमा के बात मत करो। जो आपके दिल में है, जो आपकी परेशानी है, उसको क्लियरली गॉड से बात करो, दिल ही दिल में उनको कहो आपको क्या परेशानी है। वो खुद सॉल्व करना चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को। गॉड का डायरेक्ट मैसेज है आपके लिए, गॉड इज हियरिंग यू, टॉक टू हिम। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं आज के। What happens is for your good. आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ या जो हो रहा है या जो होने वाला है,
वो आपके लिए सही है, इसीलिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको की आपकी जो मदद कर रहे हैं वो आपके डिवाइन एंजल्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके साथ कुछ गलत वो होने तो नहीं देंगे। तो जो हो रहा है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, शिकायत ना करें, आपके भले के लिए ही हो रहा है। 1345 आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स, कुछ भी ये हो सकता है। जो हो रहा है उसे प्यार से एक्सेप्ट करो। आपके पूर्वज आपके दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेंगे। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि हम आपके दुश्मनों को, आपको तंग करने वालों को, आपको परेशान करने वालों को माफ नहीं करेंगे। उनको उनकी जो लेसन है, जो उनका सबक है, सीख है, वो जरूर उनको सिखाएंगे, ताकि उन्हें पता चले वो किससे पंगा ले रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं। वो उन लोगों से भिड़ रहे हैं जो अपने एंसेस्टर्स के प्यारे हैं, जैसे कि आप। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, आपके पूर्वज सब कुछ देख रहे हैं और बहुत जल्द ये उनको सजा देंगे, क्योंकि माफी देने के मूड में ये लोग बिल्कुल भी नहीं है। आइए एक दो कार्ड्स और निकाल देते हैं, क्योंकि शॉर्ट रीडिंग है आज की। सडन एंड ग्रेट चेंजेस आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ। बहुत ही अचानक और बड़े जबरदस्त चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगस्त या दिसंबर में आ चुके होंगे या शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसके रिजल्ट आप अगस्त दिसंबर तक देखने लग जाएंगे इस साल के। तो जो सडन और ग्रेट चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए थैंकफुल रहिए, मेडिटेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि अच्छा वक्त जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आ जाए। समवन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू। कोई है जो आपके लिए बहुत ही पोजेसिव या प्रोटेक्टिव है। हो सकता है ये वो पर्सन का मैसेज हो जो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, या आपके आपके आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपसे, या आपकी रक्षा करना चाहते हैं, या आपसे एक तरह से परमिशन मांग रहे हैं कि आप अगर उनको अपनी लाइफ में आने दें तो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। LPZ इनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या नाम पहले नाम के जो पहला वर्ड है उसमें इनका ये लेटर आ सकता है, या आपके नाम में। अप्रैल और ट्यूसडे इंपॉर्टेंट मंथ या डे हो सकता है आपकी लाइफ में, या उस पर्सन की लाइफ में जो आपको प्रोटेक्ट करने के बहुत ज्यादा मूड में है, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। माय गॉड, दे ऑलवेज थिंक बैड फॉर यू। कुछ लोग हैं, हो सकता है ये आपकी मदर, सिस्टर, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर इन लॉ, कोई भी हो सकते हैं, जो आपका बुरा ही चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन आपको इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ चुके हैं अब तक कि आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। यू आर अंडर गॉड्स प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन। 9/11 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इनका मंथ हो सकता है जिसमें इनका पैदाइश हो। KGI आपके लिए लेटर हो सकते हैं या उनके लिए, इससे आपको उनके लिए पहचानना इजी रहेगा। दे ऑलवेज थिंक नेगेटिव अबाउट यू, लेकिन इसमें आपको जलने की जरूरत नहीं है, ये उनका काम है, वही जाने। रंग दे मोहे गेरुआ, बहुत बार मेरे व्यूअर्स के लिए गाना आ चुका है। कोई है जो आपको इतना ज्यादा चाहते हैं कि आपके लिए ये गाना उनके दिल से बार बार निकलता है कि आप उनको रंग दे अपने प्यार में, इतना प्यार लुटाए उन पे कि वो भी उसमें घायल हो जाए आपके प्यार में, इतना आपको याद करते हैं और ये गाना गाते हैं। 10/29/34 उनकी एज हो सकती है, 29 या 34, 10 इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है, फेब्रुअरी आपकी या उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। आइए एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं और आज की रीडिंग यही खत्म करते हैं। ये कार्ड ले लेते हैं। लव योर सेल्फ, यू आर स्पेशल। आपके लिए एंजल्स मैसेज है कि शायद आप जिंदगी की टेंशन्स में, दौड़ भाग में खुद को नहीं संभाल पा रहे, खुद को प्यार नहीं करते, खुद पर ध्यान नहीं देते, आपकी हेल्थ शायद सफर कर रही है इस दौड़ भाग की वजह से, आपको स्ट्रेस या टेंशन रहती है, इस वजह से आपको मैसेज दिया जा रहा है कि लव योरसेल्फ, आप बहुत स्पेशल हैं अपने पूर्वजों के लिए, उन लोगों के लिए आपके आसपास जो आपको बहुत प्यार करते हैं। ज्यादा लोग प्यार नहीं करते, कोई तो करता है, उनके लिए आप बहुत स्पेशल हैं, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। 3/9 इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, डेट हो सकती है, मंडे इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, या आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन रहेगा, थैंक यू माई एंजल्स फॉर सेंडिंग मी पॉजिटिव मैसेजेस। थैंक यू मेरे एंजल्स के आपने मुझे इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस भेजे हैं। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस रीडिंग, या उससे भी कम, एक सिंपल सा यस।
और आपका जो ग्रेटिट्यूड है आपके एंजल्स को मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग शॉर्ट थी, बस आपको खास मैसेजेस पहुंचाने थे, सो मैंने पहुंचा दिए जो आपके एंसेस्टर्स या एंजल्स आपको देना चाहते थे। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय। यस, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कौन कौन से मैसेजेस बहुत ज्यादा रिजोनेट हुए हैं, और बहुत ज्यादा थैंक यू मुझे इतना प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। अगर आपको कोई भी रीडिंग करानी है, कोई भी मैसेज मुझे पहुंचाना है, तो मुझे जीमेल कीजिए। मेरा जीमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, gajarmadhurina@gmail.com। कमेंट्स में आपको अपनी पर्सनल बातें कुछ नहीं लिखनी है या फोन नंबर बिल्कुल नहीं लिखने हैं। कमेंट्स में सिर्फ रीडिंग रिलेटेड कमेंट्स आपको करने हैं। ओके, सी यू अगेन, बाय बाय।